आप गुजरात में चिराग पासवान के सहारे अरविंद केजरीवाल को रोकने की कोशिश में भाजपा। जी हां, मोदी और शाह के गढ़ गुजरात में पिछले 6 विधानसभा चुनाव में भाजपा को हराना विपक्षी पार्टियों के लिए टेढ़ी खीर रहा है, लेकिन इस बार अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी भाजपा को कड़ी चुनौती पेश करने के लिए तैयार नजर आ रही है। ऐसे में अब भाजपा बिहार के साथ साथ गुजरात में भी चिराग पासवान को अपना ब्रह्मास्त्र बनाने की कोशिश में जुट गई है। दरअसल गुजरात की आबादी 6.5 करोड़ से अधिक है और उनकी आबादी का करीब 5% लोग बिहार के ही है, यानी कि 30 लाख लोग जो विधानसभा में वोट देते हैं उनका संबंध बिहार से। उनके अलावा उत्तर प्रदेश और राजस्थान के लोग भी बड़ी संख्या में वहां रहते हैं। सूत्र बताते हैं कि चिराग पासवान के जरिए भाजपा उत्तर भारतीयों को साधने की तैयारी में है। यहाँ वो इस तैयारी को कर रहे हैं। संभावना है कि ये भाजपा के प्लान बी का एक हिस्सा हो सकता है। इस प्लान के जरिए भाजपा में आम आदमी पार्टी को मजबूत स्थिति में आने से रोका जा सकता है, क्योंकि भाजपा को ऐसा लगता है कि लुभावे वादों के जरिए अरविंद केजरीवाल दिल्ली और पंजाब के तर्ज पर गुजरात में भी खेल कर सकते हैं। इसलिए उत्तर भारतीयों को आम आदमी पार्टी की तरफ मुंह करने से रोकने के लिए लोजपा को वहां उतारने की पूरी तैयारी चल रही है। जी हां, कवायद चल रहे हैं, सूत्र का दावा है। अगर हम सूत्र की बात करें तो सूत्रों का दावा है कि चिराग पासवान के गुजरात दौरे के दौरान उनकी अमित शाह के बीच बातचीत भी हुई थी, हालांकि इन दोनों के उस दिन के साथ तस्वीर नहीं। जी हां, ये बातें तो सामने आ रही है कि बातचीत हुई है लेकिन तस्वीर नहीं। इसके बाद ही उस दिन चिराग ने अपनी पार्टी के गुजरात प्रदेश इकाई में के नेताओं के साथ मीटिंग की थी। वैसे चिराग पासवान ने लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद भी कहा था कि लोक जनशक्ति पार्टी गुजरात में आगामी विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार उतरेगी। जी हाँ, चिराग पासवान ने कहा था कि इस बारे में पार्टी को अभी यह निर्णय करना है कि वह गुजरात में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। जी हाँ, अभी यह निर्णय करना बाकी है कि वो लोग गुजरात में कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन चुनाव लड़ेंगे। हालांकि लोजपा रामविलास का गुजरात में भाजपा या किसी अन्य दल के साथ गठबंधन होगा या नहीं, इस पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। वैसे ये भाजपा को भी एहसास होगा कि किस तरफ बिहार में चिराग पासवान ने अपने दम पर जेडीयू को तीसरे नंबर पर भी भेज दिया है। जी हाँ, ऐसे में अगर चिराग गुजरात में भी पूरी ताकत से उतर गए तो भाजपा को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में अगर भाजपा चिराग पासवान को सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहती है तो शायद ये भाजपा की सबसे बड़ी भूल साबित होगी। जी हाँ, ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि गुजरात में चिराग पासवान की पार्टी अकेले चुनाव लड़ती है या फिर राज्य में पार्टी का भाजपा के साथ गठबंधन होता है। ये रिपोर्ट यहीं तक थी। इसी तरह की रिपोर्ट के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात, और चलते जाते फिर से कहूंगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, हमारी रिपोर्ट अच्छी लगती हो तो लाइक करें और अपनी राय को कमेंट्स में जरूर रखें। नमस्कार।